हाँ जी, जड़ी बूटी रसायन सिंह में आपका स्वागत है जी। आज भाई जो जानकारी है जी, वो गंधक के विषय में जानकारी है, खुराकी गंधक के विषय में बताएंगे जी। पोशाकी के लिए तो इसका प्रयोग नहीं देखा जी, करके हम ऐसे आपको लगा दें, मेहनत करने में उसका कोई फ़ायदा नहीं है जी। और ये रही बूटी प्रिंगराज, इसे देखें जी ध्यान से, इसको सफ़ेद फूल लगता है जी। इसका रस चाहिए कम से कम 7 बोतल रस चाहिए जी इसका, ठीक है जी। 7 बोतल रस की निकाल लें, इसका रस निकाल के मुकत्तर कर लें जी सही तरीके से। यदि किसी ने आयुर्वेद में प्रैक्टिस करनी है और आयुर्वेद का जो मापदंड है उसको समझना है, उसके चमत्कार देखने हैं, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। इधर उधर की बातें सुना दूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं। यदि आपने आयुर्वेद के रिजल्ट लेने हैं सही, चमत्कार देखने हैं कि कैसे काम होता है आयुर्वेद का, जो आजकल अंग्रेजी दवाइयों की भरमार है उनको फेल कर देगी। जो आते हैं कि बाल काले नहीं होते, सफ़ेद रहते हैं, बड़ी दवाई खाई, कल्प लगाई, वो एक बार मेहनत करें और फिर देखें जी इसका क्या बेनिफिट होता है। गंधक ले लें जी आप 250 ग्राम, उसको 2-3 दफ़ा दूध में शुद्ध कर लें पहले, उसके बाद फिर इसका मकत्तर किया हुआ रस कतरा कतरा डाल के खरल करते जाएं जी, ठीक है जी। जब आपकी 7 बोतल इसमें मुकम्मल लग जाएगी, 750 ml वाली बोतल भरनी है जी, और जब रस पूरा मुकम्मल लग जाएगा तो इसकी छोटी छोटी चने के बराबर गोलियां बना लें जी, चने के बराबर इसकी गोलियां बना लें, और दूध के साथ सुबह और शाम खाना शुरू करें जी। फिर देखें जी चमत्कार, 80 साल की उम्र में भी बाल काले हो जाएंगे, और जिनके घुटनों में दर्द है वो गायब हो जाएगा जी, और जो घुटनों की वजह से चल फिर नहीं सकते वो बुज़ुर्गों को गांव के दूसरी तरफ से पकड़ के लाना पड़ेगा जी। ये ऐसी बूटी है, इसको समझे, जो समझदार बंदा होगा वही इस पे काम कर सकता है जी। बाकी बंदों के लिए तो ये सिर्फ बातें ही हैं, घास फूस है। जो इस चीज़ की अहमियत को समझता है वही ये काम कर सकता है जी। इसको देख लें अच्छे तरीके से, ये इसको सफ़ेद सा फूल आता है जी, इसको भिंगराज बोलते हैं। ये लाजवाब है जी, गठिया बठिया, बाल काले, इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो उसको भी ये नॉर्मल करता है। गंधक को जो जानते हैं लोग वही इस बात को समझते हैं जी, औरों के लिए तो ये सिर्फ बातें हैं। और ये लाजवाब बूटी है, ये स्पेशल बूटी है जो ये भृंगराज, ये बालों पे बहुत अच्छा काम करती है। यदि गंधक के साथ इसके रस निकाल कर मकत्तर रस लेकर इसका और खरलाई की जाए तो लाजवाब रिजल्ट मिलेंगे जी, ठीक है जी। 7 बोतलें लगेंगी जी, 750 ml और 250 ग्राम गंधक लेना है आपने आमला सार। इसमें खरल करें, जब मुकम्मल रस खरल हो जाए इसकी चने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना दें जी, फिर करें जूझ, देखें जी आयुर्वेद के नुस्खे किस तरीके से काम करते हैं और बाल किस तरीके से काले होते हैं। चाहे आप 80 साल के बुजुर्ग के बाल भी काले कर सकते हैं, इतना दमखम है इस बूटी में। यदि गंधक है जो वो एक रसायन है, खाज खुजली के लिए स्पेशल है, जिनका खाज बाज नहीं हटती वो भी मुकम्मल गंधक से ही सही होती है जी, गंधक के तेल वगैरह से सही होती है, कोढ़ पे अच्छा काम करती है गंधक। जो इस विषय में नॉलेज रखते हैं जी वो जानते हैं इन चीज़ों को। हम ऐसे कोई फालतू बात इधर की उधर नहीं करते जी,
जो अनुभव लिया हुआ है वही बोलेंगे, इससे आगे कुछ नहीं बोलेंगे जी। ज़्यादा बक बक करने की हमें आदत नहीं। जो बक बक सुननी है तो और बड़े चैनल है जी यूट्यूब पे, उनको आप देख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने हमारा चैनल ही देखना है जी, ढेर सारे चैनल हैं यूट्यूब पे, देख सकते हैं। और जो कुछ हासिल करना चाहता है आयुर्वेद से, जो कहते हैं कि आयुर्वेद काम नहीं करता, सिर्फ बातें हैं, घास फूस इकट्ठा कर लिया, ये कर लिया, वो अगड़म बगड़म इधर का उधर, ये लियाओ वो लियाओ, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। अरे एक बारी इसको बना कर तो देखें, आप याद करते रह जाओगे क्या किसी ने कुछ बताया था जी। यदि किसी को जानकारी इस विषय में अच्छी लगे तो इस जानकारी को इकट्ठा करके रखें जी, यदि ना पसंद आए तो ना देखें। यदि किसी को हमारी बात बुरी लगे तो हम उनसे माफ़ी चाहते हैं जी। ठीक है जी, सत श्री अकाल जी।